हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज बहुत सारी खबरें लेके आया हो जो बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों पोको X3 की, जो दोस्तों कल शाम 7 बजे लॉन्च हो गया बहुत ही अमेजिंग प्राइस में। इसमें मैंने डिटेल वीडियो किया है, नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, सारी डिटेल बताया। वैसे यहाँ छोटी छोटी डिटेल बता देता हूँ कि स्नैपड्रैगन 732GL प्रोसेसर है दोस्तों, क्वाड कैमरा पे आता है और प्राइस जो है दोस्तों 30,000 से शुरू होता है। तो इस तरह का कुछ है, अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो जाके देख सकते हैं। वहीं दोस्तों आज पोको का M2 लॉन्च हो गया, वो दोस्तों रीब्रांडेड फोन है Redmi 9 प्राइम का। सेम दोस्तों Redmi 9 प्राइम 464 और 4128 वाला था, यहाँ पर दोस्तों 664 और 628 वाला लॉन्च हो गया। सारा कुछ सेम है दोस्तों, बस 664 जो है दोस्तों उसका प्राइस जो मैंने बता दिया था, गेस किया था, जो सही हो गया 10,999 रुपए। तो इस तरह से है प्राइस, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, काफी जबरदस्त फोन है। चलिए तो दोस्तों आज Redmi ने लॉन्च किया है फिटनेस बैंड, जो बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे आया 1599 रुपए में, जो काफी जबरदस्त है दोस्तों। इसमें एमोलेड डिस्प्ले आता है और बहुत सारी फैसिलिटी इसमें दी गई है। 20 दिन का बैटरी बैकअप वगैरह इसमें दिया जाता है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाके स्टोर में चेक कर सकते हैं, वैसे मैं मना करूंगा खरीदने के लिए। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, तो Redmi ने एक पेटेंट डाला है जिसमें दोस्तों डुअल सेल्फी कैमरा दिख रहा है पॉपअप में, जो दोस्तों फ्रंट और बैक में एक ही जगह में दोस्तों दोनों सेल्फी मिलेगा। तो इस तरह का कुछ है, बैक का दो पोजीशन आप देख सकते हैं एकदम प्लेन है दोस्तों। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है। अब जब ये फोन अगर आएगा दोस्तों तो कौन सा में होगा, रीब्रांडेड होगा, जो भी होगा दोस्तों आपको सारी डिटेल देंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं पबजी की, तो पबजी दोस्तों आज टेंसेंट ने हाथ उठा दिया और दोस्तों साउथ कोरियन कंपनी है, उन्होंने इसका जो चार्ज है वो ले लिया है। मतलब दोस्तों पबजी आप क्लेम करेगा अगर इंडिया में आने के लिए तो ये आ सकता है। इस तरह की कुछ खबर आप देखिए इंडिया में कब तक आता है। वहीं दोस्तों पबजी जब बंद हुआ 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक दोस्तों दो गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लगे प्ले स्टोर और दोस्तों एप्पल स्टोर में, वो जो है दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर। फ्री फायर ऐसा बताया जा रहा है कि 21 लाख डाउनलोड हुए और दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी जो है दोस्तों 11 लाख डाउनलोड हुए। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है, आपने डाउनलोड किया कि नहीं या फिर आप अभी तक पबजी खेल रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताइए। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि ब्रिटेन में ओल्ड एज होम वगैरह जो रहता है वहाँ पर वो एक नया चीज़ चला है कि वहाँ पर दोस्तों बूढ़ों के पास बात करने के लिए कोई नहीं रहता है। तो वहाँ के जो साइंसदान जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उन्होंने एक रोबोट बना दिया है, जो भी दोस्तों ओल्ड एज होम वगैरह रहते हैं और बात करने के लिए कोई नहीं होता है, तो ये रोबोट जो है जाएगा वहाँ पर और बात करेगा। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है, सोचिए ये इंडिया में होना चाहिए या नहीं, आप हमें ज़रूर बताइए। वैसे ओल्ड एज होम की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे माँ बाप हमारे साथ रहेंगे, ये चीज़ सबको सोचना चाहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों एक्सबॉक्स सीरीज एस की, दोस्तों ये अनाउंस हो चुका है जिसकी प्राइस है $299। इस तरह की कुछ प्राइस पर है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। वैसे इंडिया में ये नहीं आया, अभी यूरोप में लॉन्च हुआ है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नोकिया की, तो नोकिया की तरफ से 3.4 वाला उनका जो मोबाइल है दोस्तों उसका डिज़ाइन वगैरह आ गया है, जो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है और ब्लू कलर में दोस्तों ये आएगा। ये एंट्री लेवल का फ़ोन होगा, इसमें स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर हो सकता है, 3GB RAM 32GB इंटरनल मेमोरी से शुरू होगा दोस्तों। अब इसमें किस तरह का कैमरा होगा क्या वो तो अभी बात नहीं है, लेकिन ट्विटर में एक ट्वीट आया दोस्तों और देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगता है दोस्तों। ट्रिपल रियर कैमरा, पंच होल पर ये आएगा, जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं अब दोस्तों ओप्पो की, तो ओप्पो की तरफ से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उनका एस सीरीज़ बंद होने वाला है, क्योंकि इसमें अब रियलमी काम करने वाला है। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है, अब रियलमी का कौन सा फ़ोन आएगा इस नाम से आप देखिए, जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं ओप्पो रेनो 4 SE, ये इसकी कुछ रूमर्स आ रही है दोस्तों, ये फ़ोन एग्जिस्ट करता है बहुत ही जल्दी, ये आने वाला है दोस्तों। और ऐसा बताया जा रहा है 90Hz का डिस्प्ले और इसमें 65W का फास्ट चार्जिंग होने की उम्मीद, आप देखिए ये कौन से प्राइस पे आएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 28,000-29,000 के रेंज में ये फोन आने वाला है, जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं ओप्पो रेनो A53S, इसको ग्लोबल सर्टिफिकेशन मिल चुका है दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये आने वाला है। ये भी एंट्री लेवल का फोन होगा, स्नैपड्रैगन 460 का दोस्तों इसमें प्रोसेसर हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा वगैरह होने वाला है, 20MP का सेल्फी कैमरा होने वाला है। मतलब दोस्तों ये सिर्फ एंट्री लेवल का होगा, इसका प्राइस जो रहेगा वो एंट्री लेवल नहीं होगा। वैसे दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का वीडियो हम देते रहते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब रियलमी की, तो रियलमी का 7 आए दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये लॉन्च होने वाला है, इस तरह की कुछ खबर आ रही है। वैसे दोस्तों ये यूरोप में तो होने वाला है, लेकिन ये इंडिया में भी बहुत ही जल्दी आएगा, इस तरह की कुछ न्यूज़ आ रही है। और ऐसा ही बताया जा रहा है दोस्तों कि इसमें स्नैपड्रैगन 662 का दोस्तों प्रोसेसर हो सकता है,
सकता है, लेकिन मुझे जबरदस्त नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि Realme 6i इससे ज्यादा बेटर है, इससे ज्यादा जबरदस्त है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आप हमें जरूर बताइए। वहीं दोस्तों बात करते हैं Realme यूजर्स के लिए कि उनको एक नया तरह का फीचर्स मिलने वाला है Realme UI में। यूजर के लिए दोस्तों अपना फोन को कर सकते हैं, मतलब अगर किसी का हाथ में दे रहे फोन तो आप स्विच कर सकते हैं अकाउंट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो ये चीज आने वाला बहुत ही जल्दी, अगर जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं Realme C3, C12 और C15 को नया एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिलने वाला है। ये दोस्तों रोल आउट शुरू हो चुका है, अगर आपको नहीं मिला है तो वेट करिए, आपको जरूर मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों Vivo का X50 आया था, जिसमें X50 Pro आया था जो बहुत ही जबरदस्त गिम्बल कैमरा वाला होने वाला था। उसी में दोस्तों X50 Pro Plus ये फोन आने वाला है दोस्तों, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि एलेक्जेंडर एडिशन भी आने वाला है। अब इसकी प्राइस क्या होगी और कैमरा किस तरह का होगा जब ये आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। दोस्तों जब फोल्डेबल फोन आया था तो हम लोग सोच रहे थे कि इसी तरह का कुछ फोन अब फ्यूचर में आएगा, लेकिन दोस्तों LG ने वो चीज चेंज कर दिया। उनका दोस्तों विंग करके एक फोन है जिसका दोस्तों 9 सेकंड का वीडियो आया जो काफी जबरदस्त लग रहा है, डिस्प्ले वाला है, मतलब पूरा रोल हो जाता है। और ऐसा बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन 765 का इसमें प्रोसेसर होने वाला है, 73,000 तक का इसका प्राइस होने वाला है दोस्तों। और इसमें अलग टाइप का दोस्तों जबरदस्त कैमरा होने वाला है, जब ये फोन आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे और बताएंगे ये किस तरह का है। वहीं दोस्तों बात करते हैं एप्पल की तरफ से, आज दो जबरदस्त खबर आ रही है। पहला है दोस्तों कि आज या कल में एप्पल का दोस्तों आईफोन 12 कब आने वाला है वो चीज़ का अनाउंसमेंट हो जाएगा, और दूसरा जो है वो एंड में बताऊंगा। तो बात करते हैं दोस्तों सैमसंग की, तो सैमसंग का आज एक नया फोन का लिस्ट आ गया दोस्तों, जिसमें ऐसा पता चल रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE ये फोन दोस्तों एग्जिस्ट करता है, बहुत ही जल्दी ये आने वाला है और दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त ये फ़ोन होगा। इसमें दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट वाला दोस्तों आएगा इसमें, और ट्रिपल रेयर कैमरा पे होगा जो 12x12x12 का होगा, और 20MP का सेल्फी कैमरा होगा, 4500mAh की बैटरी, 15W का फास्ट चार्जिंग जब ये फोन आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। वैसे कलर वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। बात करते हैं दोस्तों मोटो रेजर की, तो दोस्तों मोटो रेजर बहुत ही जल्दी आने वाला है 5G वाला में दोस्तों, और इसमें स्नैपड्रैगन 765 वाला प्रोसेसर हो सकता है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 48+20MP का दोस्तों डुअल रियर कैमरा होने वाला है। अब देखिए ये किस प्राइस रेंज पर आएगा और किस तरह का होगा, जब ये आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। और दोस्तों मैंने बात किया था कि आईफोन का एक जबरदस्त न्यूज है, वो न्यूज ये है कि आईफोन 12 जो लॉन्च होगा दोस्तों उसमें एक सबसे छोटा वेरिएंट होगा, जिसका साइज दोस्तों 4.7 इंच का दोस्तों उसमें डिस्प्ले होने वाला है। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है। अब देखिए दोस्तों उसकी प्राइस क्या होगी, क्या ज्यादा होगा या कम होगा या कॉम्पैक्ट होगा, जो भी होगा दोस्तों आप हमें जरूर बताइए। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगर आप आईफोन 11 लेना चाहते हैं तो अमेजोन में बहुत ही जबरदस्त डील्स चल रहा है, 3,000 रुपए सस्ता मिल रहा है ये फोन, तो मजाक की बात है, लेकिन आप अगर लेना चाहते हैं तो अभी जाके ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों पोको X3 का वीडियो अगर नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।